आधुनिक युग में लोग इतने बदलते जा रहे हैं कि जगत जननी कहलाने वाली अपनी माँ की भी कदर करना भूल गए हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जब धनबाद में 5 कलयुगी बेटों ने अपनी ही माँ पर जुल्म सितम ढाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जो अब भीख मांगने पर मजबूर हो गई। यह कहानी उस महिला की है जिसके पति के मरने के बाद मेहनत मजदूरी कर अपने 5 बेटों को पाला पोसा, अपने बेटों की खुशियों के लिए दूसरे के घरों में बर्तन मांझे, यह सोचकर वह बर्तन धोती रही कि बच्चे बड़े होकर उसका सहारा बनेंगे। लेकिन जब 5 बेटे बड़े हुए तो उस महिला को मार पीट कर घर से यह कर निकाल दिया कि उन्होंने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। इस घटना के बाद महिला को अब अपना गुजर बसर करने के लिए भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा है। के घर से नजर न दिया। बेटा आपका 5 वो सब 5 बेटा आपको निकाल दिया। हाँ। कोई नहीं रखता आपको ना। यहाँ जो रहता है दो लड़का वो मरता पीटता भी होगा। रहिएगा ना, कभी कभी आने देगा। गनीमत है कि ये खबर जब लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी को पता चला तो वो धनबाद के कतरास छात्रावास 5 नंबर गए और 70 वर्ष की वृद्ध महिला सावित्री देवी को अपने साथ आश्रम ले आए। वही आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी ने कहा कि आश्रम हमेशा बेबस और बेसहारा वृद्ध लोगों के लिए सेवा करता है और उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से विनती भी की कि वृद्ध को घर से ना निकाले। वही सावित्री देवी ने कहा कि वो आश्रम में बहुत खुश है। आज पेपर में हमने पढ़ा कि प्रभात खबर में ये है, कुछ फोन आया आज के सच के MD साहब का, एक है जिसके 5 बेटे और ये बहुत दुखद बात है कि 5 बेटा एक माँ को नहीं संभाल पाता है। ये सब जो है बहुत शर्मनाक बात है और हमारा आश्रम जो है ऐसे गुरुओं की सेवा करता है और हमेशा करता रहेगा।